कट्टर तो कट्टर होना ठीक नहीं है जी। अब वैसे तो हरियाणा में खट्टर होना भी ठीक नहीं था। खैर अब अगला कुछ सवाल ले लेते हैं जो पूछे गए इस सर्वे में जी। उन सवालों के क्या जवाब दिए लोगों ने, मोदी वर्सेज राहुल बेहतर नेता कौन है? तो 73% लोगों ने कहा ईमानदारी के मुद्दे पर, 73% लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ और 27% राहुल गांधी के साथ। जो सर्वे में जिन लोगों से फेस टू फेस बात की गई, ईमानदारी के मुद्दे पर 73% नरेंद्र मोदी और 27% राहुल गांधी। इसके बाद एक बात आई मेहनत की, क्योंकि मेहनती बहुत कहा जाता है कि भाई मेहनती बहुत हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पर कितने लोग किसके साथ थे वो देखते हैं। ईमानदार के मुद्दे पर 73% प्रधानमंत्री मोदी और 27% राहुल गांधी। अगला पॉइंट था मेहनती, तो 69% प्रधानमंत्री मोदी, 31% राहुल गांधी। ये एक कंपैरिजन, इस तरह का सवाल था, सीधा डायरेक्ट सवाल था, मोदी वर्सेज राहुल बेहतर नेता कौन है, और उसमें ये पॉइंटर्स थे। अगला सवाल जो पूछा गया, और जो कई सवाल पूछे गए उनमें अगला सवाल जो था कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर विश्वास करते हैं? तो 59% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 21% ने कहा राहुल गांधी, 9% का जवाब था अरविंद केजरीवाल, 9% का जवाब था ममता बनर्जी, बाकी अन्य नेताओं के जवाब 0%, और कह नहीं सकते 2% लोगों ने कहा। किशोर ये काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, अगर आप देखें तो 59% आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर विश्वास करेंगे। इसमें महंगाई भी आता है, इसमें रोजगार बेरोजगारी वाला मुद्दा भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग अगर किसी नेता के नाम पर वोट दे रहे हैं, और जो दिख रहा है कि लोग नेता के नाम पर वोट दे रहे हैं बजाय मुद्दे पार्टी और ये, क्योंकि वो चाहे आप कहिए कि बीजेपी ने उसको इस तरह का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बना दिया जो हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग उस पर वोट दे रहे हैं तो जब नेता के नाम पे वोट देते हैं तो नेता के नाम पे रेस में नरेंद्र मोदी आगे निकल जाते हैं। रिएक्शन ले लेते हैं सतीश जी का। सतीश जी ये जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एंड दिस आंसर्स एवरीथिंग। देखिए हम अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है, एक छत्र नेता है, और अभी वो हिंदुत्व के एक्सटेंशन में कॉम्बो फैक्टर में सब में चल रहा है। और सामने क्या है, विपक्ष में जब हम बोले कि एक दूसरे को गिराने में या एक दूसरे से आपके प्रति अपना भविष्य की खेल खेल रहे हैं, वर्तमान को गवा के, विपक्षी पार्टियों की बात कर रहे हो, तो जब आपका भविष्य पे चीजें चल गया तो आप हो सकता है जो आप नैरेटिव खड़ा करना चाहते हो, बहुत सारे मुद्दे, एक मिनट रुक जाइए, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके ऊपर बाकी चीजें भारी तो पड़ जाती है, एक बात। और दूसरा, अगर आप एक हो जाते हैं तो नैरेटिव खड़ा कर सकते, तो हो सकता था कि मोदी बनाम मुद्दा खड़ा कर लेते, लेकिन ये नहीं कर सकते, ये खुद मुद्दा बन गए कि 3 बार INDIA टूटी और 2 जगह हाफ हाफ गठबंधन है, 2 पार्टियों हाफ हाफ गठबंधन है। मैं आऊंगा आपके एक और सवाल, एक और सवाल जो पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। इस ओपिनियन पोल में कई सवाल पूछे गए, उनमें एक सवाल था कि क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है? इस पे 64% लोगों ने कहा हाँ, 20% ने कहा नहीं, 16% ने इस पर राय नहीं रखी, उन्होंने कहा नहीं जानते। तो ये इसलिए पूछा गया कि क्या ये इस तरह की जब बातें होती हैं, क्या ये वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या ये मुद्दे लोगों की राय बनाने में, लोग इन मुद्दों के आधार पर राय बनाते हैं, इसलिए पूछा गया। और उसमें साफ दिख रहा है कि 64% लोग कह रहे हैं हाँ। अब आप इसको कहिए कि ये मुद्दा उठाना चाहिए चुनाव में, नहीं उठाना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन लोग उसको किस नजर से देख रहे हैं, ये वो इसमें बड़ा, बहुत बड़ा नंबर है, 64% बहुत बड़ा नंबर है। राम मंदिर को अगर कोई भी नहीं मानता कि शायद वो नॉन फैक्टर होगा, राजकुमार भाटी भी नहीं इस बात को मानेंगे, शहजाद पूनावाला। बाकी जोड़ना चाहता हूं, पहले काम और फिर राम, ये दोनों आंकड़े कैप्चर करते हैं। काम के बारे में ये बताऊं कि जितना ये आप कह सकते हैं कि एक होप देना, पर होप भी एक बेसिस पे होता है कि कोई गारंटी काम करती है, तब वो होप होता है। राम को ज्यादा पकड़ रखा है, काम को थोड़ा कम। मैं आपको बताता हूँ अमित जी, आपकी मैं 7 o'clock डिबेट्स रेगुलर देखता हूँ, मौका कब मिलता है आपके आने का, परंतु कौन उदयनिधि स्टालिन को हमने बोला जाकर गाली दो, सनातन को, ए राजा को हमने बोला गाली दो, राम मंदिर गुलामी की निशानी, राम किसने कहा रामचरितमानस के बारे में, और समाजवादी पार्टी के अभी तक जो नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या सतीश जी ने उनको बोला रोज गाली दो? ये मुद्दे गिनवाते ना, भाटी जी कितनी सुंदरता से मुद्दे गिनवा रहे हैं यहाँ पर उनके नेताओं की नहीं सुनते, यही तो प्रॉब्लम है। भाटी जी अच्छे व्यक्ति हैं पर उनके नेताओं की कतई नहीं सुनते, कभी राम जी को रामचरितमानस को कितनी गालियां बकते हैं, तो फिर ये मुद्दा बन ही जाएगा ना जी। भाटी जी, जी राजकुमार भाटी,
नहीं, मैं तो जो आपने अभी सर्वे दिखाया उसमें मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि राहुल गांधी ने तो बहुत तरक्की की है, बहुत प्रोग्रेस की है। 2019 के चुनाव में जब आप दिखाते थे मोदी वर्सेज राहुल गांधी, तो राहुल को 4-5% वोट मिलते थे, अब वो 35% तक, 27, 29, 32, 33 तक जा रहे हैं। तो चुनाव आते आते तो 50% का आंकड़ा पार कर जाएंगे। इसका मतलब इससे साफ जाहिर है कि मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है। आप भी मान रहे हैं ये राहुल गांधी प्रमाणिक है? अच्छी पार्टियों की लोकप्रियता बढ़ रही है जी। चलिए, सब आंकड़े थोड़े पेपर में आए तो आपको भी पोल अच्छा लगा। ये बड़ा बहुत प्रोग्रेस अच्छी की है अपने नेता राहुल गांधी का नाम। लेकिन क्योंकि राम की बात हो रही है और राहुल गांधी की बात हो रही है, राहुल गांधी ने एक और बयान दिया, मेरा नेता का नाम तो भूखे मरो, राम का नाम जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो और फिर भूखे मरो। अब इस तरह के जब बयान दे देते हैं और उस पर स्मृति ईरानी ने रिएक्ट किया, फिर अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया, वो पॉलिटिकली वो पॉलिटिकली चीज एक्टिवेट बीजेपी कर देती है, बीजेपी पकड़ लेती है इन सब बातों को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये तो फैक्ट, ये भाटी जी आप ये तो मानेंगे ना, बीजेपी इन चीजों को चाहे किसी भी वजह से बोली गई हो, कहां भी बोली गई हो, उनको पकड़ के उनको मुद्दा बनाती है और ये सब चीजें फिर ये भाटी जी असर डालती है जी। मैंने वही बात बोली कि जो काम बीजेपी काम की बात वैसे काम करती होगी, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो वो काम की कम बात करती है, राम की ज्यादा बात करती है। जो आप कह रहे हैं कि भूखे मरेंगे, ये तो भारतीय संस्कृति की पुरानी कहावत है कि भूखे भजन न होई गोपाला, यह ले अपनी कंठी माला। जी जी, पहले तो पेट भरना चाहिए आदमी का, ये तो सभी लोग मानते हैं, इसमें क्या इतराज नहीं। लेकिन जिस तरीके से कही गई, जिस परिप्रेक्ष्य में कही गई, जिस तरह से उसको उठाया गया, जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से मौका दिया गया उस पर अटैक करने का, उसकी बात हो रही है। ठीक बात है। अब अमीश जी आपके शो में अमीश जी दो बार बोल चुके कि काम पे कम ध्यान देती है बीजेपी, राम पे ज्यादा देती है, यही तो समस्या। पूनावाला की पार्टी को गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं इसका एक बहुत जिम्मेदार आदमी बोल रहे हैं इस बात को। मैं इस पे एक छोटा सा वाक्य कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स का टेम्पलेट किस प्रकार से शिफ्ट हुआ है कि जिन पार्टियों ने नारा गढ़ा था कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज वो कह रहे हैं कि क्या मुलायम क्या कांशी राम, सब मिलके बोलो जय श्री राम। भाई श्री कृष्ण का स्वप्न इसको आया था, कौन मंदिर मंदिर घूम रहा है, हालांकि उनको पता नहीं कि चौकट पे क्या करना है, उनको पता नहीं आरती कैसे उतारनी है, कौन चंडी पाठ कर रहा है, कौन रामनवमी की छुट्टी जो है 10 साल बाद घोषित कर रहा है। तो बताइए ना, टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स भी तो बदला है ना। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप कौन से मुद्दे पर ईमानदार है? आप ओबीसी का मुद्दा उठाते, अभी हमने सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपने उसका विरोध कर दिया, हमने मोहन यादव जी को बनाया, हमने जो है विष्णु जी को बनाया जो एसटी समाज से आते हैं, आपने रेवंत रेड्डी को बनाया जो ओबीसी समाज को गाली देता है। आप वॉक द टॉक भी तो नहीं करते अपने